हेलो गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप लोग भाई? आज कुछ स्पेशल नहीं है, हम राइड वगैरह में नहीं जा रहे हैं। अभी जा रहे हैं KTM के शोरूम, KTM भिलाई, क्योंकि मेरी गाड़ी का चेन पॉकेट का आ गया काम। चेन पॉकेट चेंज करेंगे आज, तो मैंने प्रतीक भैया से चेन पॉकेट मंगा लिया है बिलासपुर में। प्रतीक भैया कौन? जिनके पास ZX10R है, जो आरसी कप में फर्स्ट आए थे अभी रांची वाले राउंड में। चेन्नई जाएंगे मार्च में, चेन्नई का है, चेन्नई जाएंगे, वहाँ अगर क्वालिफाइड हो गए तो फिर जाएंगे ऑस्ट्रेलिया। तो फिर चलते हैं फटाफट। मैं सोचा था ऑयल चेंज भी करवा लूँगा, बट अभी ऑयल चेंज नहीं कराऊँगा, क्योंकि टाइम ऑयल चेंज कराने के लिए कुछ टाइम पहले ही कराया था ऑयल चेंज। तो बस चेन पॉकेट न्यू लगवा के, चेन पॉकेट भी कुछ अलग आया है, तो आपको वहाँ चल के दिखाऊंगा कौन सा चेन पॉकेट आया है। तो भाई शोरूम तो पहुँचने वाले हैं। हाँ शोरूम खुला है, मुझे लगा शोरूम बंद होगा, खुला हुआ है भाई। अच्छा है, डायरेक्ट अंदर शोरूम के। कहाँ लेके जाए गाड़ी भाई? तो गाड़ी का भाई चेन पॉकेट तो पूरा खत्म हो गया है। पीछे का ब्रेक शू, सामने का भी ब्रेक शू चेंज करवा दे रहा हूँ भाई, लगे हाथ। तो टाइम बाद भाई साफ हो रही है, थे पूरा काला काला जम गया था भाई। तभी चेंज हो रहा सामने का ब्रेक शू और पीछे का भी ब्रेक शू, और गाड़ी वॉश हो चुकी है, और मैं ये वाला चेन पॉकेट लगा रहा हूँ चेन किट। इसे खोल के दिखाऊंगा मैं कैसा है चेन किट आपको। पीछे का भाई ब्रेक शू निकाले हैं, देखो भाई इसमें कुछ दिख ही नहीं रहा है लेयर। ये भी सामने वाला अभी चेंज कर दिए, पीछे का आपको न्यू वाला दिखाता हूँ कैसा है। ये देखो भाई, ये न्यू वाला जो है इतना मोटा था, देखो कितना पतला हो गया, ख़त्म ही हो गया था पूरा। ये निकला पुराना वाला चेंज पॉकेट, वो नया वाला डाल रहा है भाई। गाड़ी ब्रेक खुल गई है, कैसे दिख रही है गाड़ी? आप क्या देख रहे हो? तो भाई चेंज पॉकेट चेंज कराते लगे हाथ, बेयरिंग भी चेंज करा दे रहे। गाड़ी देख रहे हो ऑलमोस्ट रेडी हो गई है। एक चेन है ऑरेंज कलर का चेन है भाई, और अच्छा दिख रहा है चेन, दूर से चलते तो अच्छा दिखेगा चेन। करा लिए अभी सर्विस तो नहीं, बस चेंज पॉकेट चेंज कराए हैं, दोनों डिस्क ब्रेक का पैड चेंज कराए हैं, और भाई मतलब एक तरीके से ब्रेक शू बोलते हैं उसका, ब्रेक शू चेंज कराए हैं। और बस चलते हैं
कैसे लगी गाड़ी चलाने में, थोड़ा चेक करते हैं। तो भाई अब गाड़ी चलाने में कुछ नया फील आ रहा है यार, थोड़ा नई नई टाइप की लग रही गाड़ी, क्योंकि बहुत ज़्यादा आवाज़ करने लगी थी, चेन स्पॉकेट इसका बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहा था, एकदम फ्री चल रही गाड़ी यार। अब जाएंगे राइड वगैरह में तो मज़ा आएगा भाई। भाई इस महीने तो बहुत ज़्यादा ही खर्चा आ जा रहा है यार, एक तो गाड़ी की इंश्योरेंस 3000-4000 समथिंग इंश्योरेंस इसका, उसके बाद अभी लगाया मैंने चेन स्पॉकेट, और यहाँ शोरूम में तो भाई अंधा पैसा भाई खर्चा कराते हैं, 8-10 हज़ार रुपये भाई लग गया टोटल मान लो इंश्योरेंस मिला के मेरा भाई, बहुत ही ज़्यादा खर्चा हो जा रहा है। अभी मतलब आगे पीछे के ब्रेक शू चेंज कराया हूँ, चेन स्पॉकेट, तो चेन स्पॉकेट के लेबल चार्ज जो लेते भाई शोरूम वाले कई 2000 का बिल बना दिए भाई, 2000 का बिल फाड़ दिए चेंज पॉकेट अलग लिया, और दोनों मिला के 6000 तो ऐसे ही हो गया मेरा, 4000 के इंश्योरेंस 10000 रुपये भाई मेरे अभी तत्काल आज के आज चढ़नी पड़ गया, बहुत खर्चा है भाई। और तो वो बढ़ गई गाड़ी की थोड़ी, चलो लगे हाथ एक और काम करा लेते, पॉल्यूशन करा लेते गाड़ी का, आज पॉल्यूशन चेक करा लेते हैं क्योंकि 6 महीने वो एक्सपायर हो जाता है। यहीं पे सामने पॉल्यूशन का शॉप है, ओ भाई बंद है भाई शॉप, तो बंद है पॉल्यूशन की सामने वाली शॉप थी, तो आगे एक और लगता है गाड़ी में लगाते हैं एक बार, वहाँ देख लेते हैं वहाँ पे हो जाएगा चेक तो करवा लेंगे। तो चेन स्पॉकेट भिलाई रायपुर में जिसको भाई पसंद आया तो लेना होगा, तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा प्रतीक भैया का शॉप का नाम, प्रतीक भैया से आप मिल सकते हो, उनकी शॉप है बिलासपुर में, उनके पास से आप मंगा सकते हो, बहुत सारे इनके पास हेलमेट जैकेट्स वगैरह है, पूरे जितने भी गाड़ी के अपना गियर वगैरह रहते हैं पूरा हर चीज़ वहाँ मिलता है, तो आप जाके एक बार चेक कर सकते हैं उनके स्टोर में। भाई आज बहुत ज़्यादा ही खर्चा हो गया भाई, कितनी बार आपको बता दिया कितना खर्चा हो गया कोई नहीं भाई, गाड़ी नहीं है तो भाई मेंटेन अगर रखेंगे लंबी लंबी राइड जाएंगे तभी तो भाई मज़ा आएगा ना, बहुत टाइम बाद वैसे ये सब चेंज करा हमें, तभी मैं फ़र्स्ट टाइम, मेरे ख्याल से मैं फ़र्स्ट टाइम अपने गाड़ी का ये चेंज पॉकेट चेंज कराया हूँ, देव का 5 साल हो गया आई थिंक मेरे को, हाँ अभी आज 13 तारीख है, 16 तारीख को मेरे को 5 साल हो जाएगा गाड़ी को लिए भाई, 5 साल से गाड़ी हमारा साथ दे रही है। बहुत ज़्यादा यार लेट हो गए भाई, चलो गाड़ी का काम तो आज निपट गया, अब भाई एक राइड मैंने मिस कर दी 2 दिन पहले, अब कम से कम नेक्स्ट टाइम से राइड मिस तो नहीं करूँगा, राइड में जाऊँगा कंटिन्यू भाई, ब्लॉग्स डालना है राइड में आना है। तो भाई आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताना, मिलते हैं ऐसे कुछ बढ़िया से वीडियो, तो तक लिए बाय बाय।